हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट करेंगे और इसमें से 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए इस बुक में, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? अकबर, राल्फिज, दारासिको, मनुषी, जहांगीर, सर टॉमस रो, शाहजहाँ, जुर्डान। तो इसमें जो बताना है कि जो यात्री जैसे हैं ये राल्फिज, मनुषी और टॉमस रो। तो ये जैसे कि टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आए, मनुषी, दारासिको, राल्फिज, अकबर। अब इसमें जो जुर्डान है ये शाहजहाँ शासनकाल में नहीं आया था। ये ऑप्शन क्या है, गलत दिया गया इसमें से। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी नंबर हमारा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें बताना कि सबसे पहले कौन हुए, फिर उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले जो हुए थे वो थे शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। तो हमारा ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? अश्वघोष जो था वो था कनिष्क के समकालीन। किसके समकालीन? कनिष्क के समकालीन। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परश नाम के नाम से कौन जाना गया? महापद्मनंद। कौन जाना गया? महापद्मनंद को अपरो परफ नाम के नाम से भी जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? क्रियाशील जो विधान परिषद है उसका सृजन किया गया था चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लो के मुकदमे में उनके बचाव के पक्ष में आए थे? इसका हमारा 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा भोला भाई देसाई। कौन आए थे? भोला भाई देसाई। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था 1934 में। कब किया गया था? 1934 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था वह संबंधित है भगत सिंह के। किससे? भगत सिंह से। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखो कथन दिया गया है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। अब इसमें कथन दिए गए 2 कथन, अब इसमें बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। अब यहाँ देखो इसको, इसमें निष्कर्ष दिए गए हैं कौन कौन सही है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही परंतु आर गलत है, ए गलत परंतु आर सही। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए सही परंतु आर गलत है। इसमें से ए सही है परंतु आर गलत है। एक बार फिर से देखते हम लोग। अब यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं, जैसे कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधारभूत कमजोरी का उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही दिया गया, परंतु या जो आर वाला ऑप्शन क्या गलत दिया गया है, या इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो यह ऑप्शन क्या है, गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नए सम्मिलित किया जाता है, कनाडा को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, मैक्सिको को, क्यूबा को। अब क्या बताना है, आग्ल अमेरिकन संस्कृति में इसमें किस देश को सम्मिलित नहीं करते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको और क्यूबा को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो इसका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसे आप समान रूप से टारनेडो से संबंध करेंगे? तो टारनेडो से संबंध है किसका है, यूएसए का। किसका है? यूएसए का है। टारनेडो क्या, एक प्रकार का तूफान होता है जो कहाँ पर संबंध आता है, जहाँ ज़्यादातर यूएसए में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, निम्नांकित में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो हमारा जो तमिलनाडु का पूर्वी तट है
वह भूतापी शक्ति ऊर्जा के लिए उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं, जबकि लद्दाख की पूंगा घाटी, मणिकरण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र पश्चिमी घाट, ये तीनों क्या हैं? भूतापी शक्ति या फिर भूतापी ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, भारत का लगभग 2/3 कोयला जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा दामोदर घाटी में। कहाँ पे? दामोदर घाटी में। ईडा नियमन करती है, ईडा किसका नियमन करती है? ईडा नियमन करती है बीमा कंपनियों का। किसका? बीमा कंपनियों का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है, बौद्धों की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसमें बताना कि जो भारत निर्माण योजना प्रारंभ की गई थी 2005-06 में, तो इनमें से कौन सी से संबंधित, कौन सा अपन उससे संबंधित नहीं है? ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण सड़क। तो इसमें जो ग्रामीण स्वच्छता नहीं शामिल है, जबकि ग्रामीण आवास, पेयजल और ग्रामीण सड़क, ये तीनों मुद्दे भारत निर्माण योजना के अंग थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, BIFR बीपर संबंधित है, बीपर का संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण। किससे? रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक नियोजन विषय है, आर्थिक नियोजन संबंधित है समवर्ती सूची से। किससे? समवर्ती सूची से। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 20 नंबर का RBI। कौन है? RBI है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्तुति की गई है? नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो दिया गया था संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। किसके द्वारा? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। उसके बाद हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? राज्य में जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद की स्थापना करना या फिर किसी राज्य में विधान परिषद उसको नष्ट करना है तो कैसे किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद नष्ट या फिर बनाया जा सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? अब इसमें बताना है कि मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना या मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है, जबकि जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या है? तीनों मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अब इसमें बताना कि संघ सूची में कौन सी विषय शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस जो है संघ सूची में नहीं है, जबकि बैंकिंग, जनगणना और बीमा, ये तीनों क्या है? ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिलिकोसिस एक है, सिलिकोसिस क्या होता है? सिलिकोसिस जो होता है वो होता है एक फेफड़े संबंधित बीमारी, तो इसका हमारा 3 नंबर जो ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एक है, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार का बायो उत्प्रेरक। क्या है? बायो उत्प्रेरक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इधर दिया गया पदार्थ और इधर दिया गया है उपयोग, मतलब किस पदार्थ का किस चीज़ में उपयोग नहीं होता है ये बताना है, कौन सा गलत ऑप्शन दिया गया है। तो आप जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका प्रयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं किया जाता है, जबकि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम बर्फ में किया जाता है, लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग गठिया के उपचार में किया जाता है और दूधिया मैग्नीशिया का प्रयोग प्रतिअम्ल में किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। और ये कई बार तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृत्रिम बर्फ के लिए किसका यूज किया जाता है, तो बताएंगे सिल्वर आयोडाइड का। तो अब जो ए नंबर वाला ऑप्शन है वो क्या गलत दिया गया है, तो इस प्रश्न के अनुसार सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें से गलत पूछा गया है। उसके बाद हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए
और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपने एक सूची फर्स्ट है, यहाँ पे सूची सेकंड है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और उपस्थित तत्व, अब यहाँ बताना कि इन तत्वों इन पदार्थों में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा, जैसे कि हीरा क्या पाया जाता है, हीरा में पाया जाता है एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है, हीरा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। संगमरमर में क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। और रेत में क्या मिलता है, रेत मिलता है, सिलिकॉन मिलता है। उसके बाद रूबी में क्या मिलता है, रूबी में कार्बन मिलता है। तो इसके अनुसार जो हमारा कूट है वो ए नंबर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि किस वजह से टूट जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 30 नंबर का, पानी जमने पर फैलता है। क्या होता है, पानी जमने पर फैलता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर्दियों के मौसम में जो क्या होते हैं, जो नल के पाइप होते हैं वो फट जाते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि जब पानी जमता है तो क्या होता है, फैलता है। तो हमारा ए नंबर इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। अब यहाँ बताना है 4.025 का न्यूनतम भिन्न मान निम्न से किसके बराबर होगा। तो इसमें जो न्यूनतम भिन्न मान हो जाएगा, देखिए 4.025 है तो यहाँ देखो कितने अंक बाद, दशमलव बाद तीन अंक है। तो इसको नीचे क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 161/40। कितना आ जाएगा, 161/40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि छोटी संख्या जो है उसे x मान लेंगे, उसके बाद जो बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब यहाँ पे दिया गया है कि इनका दोनों का क्या है, गुणनफल, इनका दोनों का गुणनफल दिया गया है 9375। तो यहाँ देखो गुणनफल दिया गया है x इंटू 15, x का गुणन कितना फल है, गुणनफल दिया गया है 9375। अब इनको जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15x² हो जाएगा। 15x² बराबर 9375 हो गया। अब यहाँ देखो जो 15x² है तो यहाँ पे जो, अब यहाँ देखो x² बराबर, अब 15 को उधर भेज देंगे, जब 9375 से 15 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे 15 से 9375 को, तो डिवाइड करने पर आ जाएगा यहाँ पे 625। कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है और यहाँ पे 625 है, ये होता है 25 का स्क्वायर होता है। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा 25 यहाँ पे। अब x बराबर 25 आ गया तो यहाँ पे पूछा क्या, इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो एक संख्या छोटी संख्या माना था हम लोगों ने, x माना था, और बड़ी संख्या क्या थी, 15x थी। तो कुल संख्या कितनी हो गई, 16x हो गई। अब 16x और x का मान कितना आया, 25 आया है, तो 16 × 25 कर देंगे तो 4×5 हो गया, और 16 × 32 = 40। तो कितना आ गया, 400 इसका आंसर आ जाएगा। हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे इसके सीधा आंसर बता दे रहे हैं, उसके बाद अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें से केवल मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 33 नंबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा, 144। और आप लोगों को क्या करना, मैथ के क्वेश्चन जो है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करना, फिर देखना आप लोगों कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर, एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च के महीने में 5000 रुपये बढ़ गया है। यदि जनवरी में उसका खर्च 5000 रुपये था तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च ज्ञात कीजिए। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 34 नंबर को, इसका आंसर आ जाएगा 1,00,000। कितना आ जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु के किसी भार में 51 ग्राम चांदी है, तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 289 ग्राम। क्या आ जाएगा, 289 ग्राम। उसके बाद हमारा देखो यहाँ पे हिंदी क्वेश्चन आ गया, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन जो ये किसकी रचना, ये है मोहन राकेश की। किसकी, मोहन राकेश की। उसके बाद जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। जमीन आसमान एक करने मुहावरे का अर्थ होता है घोर प्रयत्न करना। क्या करना, घोर प्रयत्न करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा गीत प्लस अंजलि। क्या हो जाएगा, गीत प्लस
अंजलि हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है। अब यहाँ बताना है कि मैं आप में श्रद्धा करती हूँ, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। क्या हो जाएगा? मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ होता है। अब यहाँ देखो इंग्लिश का पैफेज दिया गया है। अब यहाँ देखो पैफेज सॉल्व करने का तो कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि ऐसा तो है ना कि वहाँ पे क्वेश्चन उस तरीके उस टाइप के मिलेंगे, तो पैसेज हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। इसमें से जो ग्रामर वाला पोर्शन होगा, एंटोनिम्स, वन वर्ड, एक्टिव वॉइस, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो इसको, इसमें क्वेश्चन दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। अब इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में इनमें दिया गया है चार ऑप्शन में। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा 45 नंबर का, वो हो जाएगा ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। क्या है? ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, ये वाला जो ऑप्शन है क्या है? पैसिव वॉइस में दिया गया, और जो ये सारे ऑप्शन है ये दिए गए हैं एक्टिव वॉइस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। अब आप देखो कथन दिया गया सभी बिस्कुट बाजरा है, सभी बाजरा अनाज है। तो यहाँ 46 नंबर में बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कथन दिया गया है कि सभी बिस्कुट अनाज है या सभी अनाज बाजरा है, तो इसमें जो कथन सही है हमारा है वो हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्या है? यहाँ पर जो फर्स्ट निष्कर्ष दिया गया है कि सभी बिस्कुट अनाज, केवल ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि मोबाइल को 7134 के रूप में कोडबद्ध किया गया है और टैबलेट को 25394 के रूप में कोडबद्ध है, तो बैलेट को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ पे मोबाइल दिया गया, यहाँ पे दिया गया है टैबलेट। अब यहाँ पे बैलेट देखो, ये सारे वर्ड इसी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सब, जैसे कि एम का कोड क्या है? 7 है। 1 का कोड क्या है? ओ है। तो इसमें से जब इसका आंसर आएगा हमारा 47 नंबर का, तो इसका आंसर आ जाएगा 359942। क्या जाएगा? 359942, बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ देखो 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं कि जिले के शिशु मृत्यु दर में पिछले 10 सालों से लगातार कमी हुई है। उसके बाद बी नंबर है, जिला प्रशासन द्वारा पिछले कई सालों में PHC केंद्र तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तब इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा, यदि कथन बी कारण है और कथन एफ का परिणाम है, तो हमारा बी नंबर क्या है? सही हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन फिर दिया गया है वैसे ही। अब यहाँ पे कथन दिया गया, यहाँ निष्कर्ष दिया गया है। अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी नंबर। ये दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या है? अनुसरण करते हैं, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के जोड़ों में से सामान्य शब्द युग्म का चयन करें। जैसे संक्रांति जो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। वैसे जो ओणम मनाया जाता है कहाँ पर मनाते हैं? वो केरल में मनाते हैं, तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें से ए नंबर जो है 52 का सही हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोत का उपयोग करके 12.3 GW कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है, 12.3 GW कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। तो हमारा 53 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो अब जो ओजोन परत में छेद हो रही है वो हो रही CFC की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो स्थित कहाँ पर स्थित है? वो न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से सही ढंग से ग्रहों को उनके आकार में आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर
दर्शाता है तुम्हारा 56 जो नंबर है उसमें जो सही आंसर दिया गया है यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। सबसे बड़ा क्या है? यूरेनस है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बुध है सबसे छोटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। अब ये पूछा जा रहा है कि किसे विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, तो वो होती है राज्यपाल को। किसे? राज्यपाल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है कहाँ स्थित है? ये जंग आज़ादी पार्क जो स्थित है वो स्थित हमारा मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में, जिसका पहले नाम था विक्टोरिया पार्क, अब नाम बदल कर दिया गया है जंग आज़ादी पार्क। कहाँ पे? ये मेरठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में संपत्ति एक्स नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य किया गया? संपत्ति सैन्य अभ्यास जो जून में किया गया था वो किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, जून 2022 में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किस संस्था ने किया है? जून 2022 में माई पैड माई राइट जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई थी RBI के द्वारा। नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 नंबर, भारत का कौन शहर हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगलुरु। क्या हो जाएगा? बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में शुरू किया है? विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई है वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स द्वारा जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 54 नंबर का, वर्ष 2075 तक। कब तक? वर्ष 2075 तक भारत जो है पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। 55 नंबर क्वेश्चन, किस देश की अध्यक्षता में 23वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? यह हो जाएगा आंसर भारत की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? भारत की अध्यक्षता में। IPL की तर्ज पर राज्य में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग कहाँ खेले जाएंगे? IPL की जैसे उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, हाल ही में U20 शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? U20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व स्तरीय कन्वेंशनल सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? कन्वेंशन सेंटर बनाने का हाल ही में निर्णय लिया गया है आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किसने बाइक रेस MotoGP 2023 का पहला टिकट जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ ने। किसने? योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? पुस्तक अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसके लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता है। कौन है? शांतनु गुप्ता है। तो ये हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जिसमें से मैथ, रीजनिंग और GF करंट अफेयर, स्टैटिक GK के सारे क्वेश्चन थे। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो है हिंदी का पैसेज, उसके बाद DI है, तो वो हम लोग अलग वीडियो लाएंगे जिसमें से मैथ का DI और मैथ के क्वेश्चन अलग फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।